क्रांति को अंग्रेज थोड़ा कुचलने में सफल हो रहा था और प्रथम वायसराय ब्रिटिश की महारानी के नेतृत्व में प्रतिनिधि बनकर भारत आए और कुर्सी पर बैठे तो उनके पीछे जो नक्शा लगा था वह भारत का 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर का नक्शा था। 1947 में जब भारत विभाजित हुआ, विभाजित भारत में 555 रियासतों का विलय हुआ, फिर फ्रेंच पुर्तगीज इनसे गोवा दमन दीव पांडेचेरी यामा कृष्णा नगर दादरा नगर हवेली आदि मुक्त कराए गए, तब भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर का बना था। ब्रिटिश हुकूमत ने 90 वर्ष में 7 बार भारत के टुकड़े किए और 9 पड़ोसी देश जन्म दिए। तो इसलिए नेताजी ने जिस जय हिंद का नारा लगाया था वो 1857 का जो भारत था उसका नारा लगाया था, जो 1857 का भारत एटलस से उसका नक्शा लेकर और जय हिंद का हिंदुस्तान 23 जनवरी 2021 सुभाष भवन में विशाल भारत संस्थान द्वारा इसको आज जारी कर रहे हैं। यह एक सत्य है, आज राजनीतिक दृष्टि से वो भारत नहीं है, विभाजित भारत है, छोटा भारत। चीन और पाकिस्तान कब्जा करने में सफल हुए, इसलिए वह नक्शा संपूर्णता में कैसा है आज हम इसको यहाँ रिलीज कर रहे हैं। जो मोटी रेखाएं चारों ओर हैं या समुद्र के अंदर के भूभाग में जो द्वीपों के चारों रेखाएं हैं, सुभाष ने जिस हिंद की जय जयकार की थी उनकी कल्पना में ये भारत। तो आज वर्ष भर इस मानचित्र के साथ विशाल भारत संस्थान इस को लोगों के रूप में इस्तेमाल करते हुए हर सप्ताह सुभाष को लेकर एक ध्येय वाक्य और एक उनके जीवन की कहानी वर्ष भर सोशल मीडिया पर वेबसाइट्स पर डालेगा। हिंद का हिंदुस्तान 23 जनवरी 2021 जब नेताजी के 124वीं वर्ष जयंती के पूरे हो रहे हैं, आज से 125वां वर्ष प्रारंभ होगा। भारत सरकार ये पहली सरकार है विभाजित स्वतंत्रता के बाद जिसने सरकारी स्तर पर नेताजी का जन्मोत्सव मनाने का निर्णय किया है, इसलिए पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में इसको मना रहा है। पीछे जो सरकारें रही नेताजी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं दुश्मन मान, उन्होंने कभी नेताजी का स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता में योगदान इसको अहमियत नहीं, पर जन जन के मन में थे इसलिए जनता में उनकी अहमियत हमेशा थी। और इस प्रकार से हम वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार को बहुत 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 बधाई देते हैं कि उन्होंने वर्ष भर का सरकार की तरफ से यह आयोजन एक किस्म से पहली बार भारत के इतिहास में
जनता जन जन में और सरकार सरकार के स्तर पर और इस सारे कार्यक्रम को संपन्न करें।